नमस्कार दोस्तों आश्वंध्या मिश्रा के किचन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइव नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ढेर सारी लाइव कीजिए जाके जब भी कोई वीडियो बनाए तो आपके पास हमारा वीडियो हर समय पर आपको मिलते जाए यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि पकौड़ी बन के रखा है इसी तरह से पकौड़ी आज अपने किचन में हम बनाने चल रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम प्याज को काट कर धो लिए हैं अच्छे से तो प्याज को जब भी काटना चाहिए पहले तब उसके बाद काट कर तभी भी इसको धोना चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों हमने काट कर रख लिए हैं तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम चल रहे हैं बनाने के लिए तो बिना बेसन के हम बनाएंगे इसको यहाँ पे देख रहे हैं जीरा लिए हैं यहाँ पे मर्चा यहाँ पे लहसुन यहाँ पे देख रहे हैं जवाइन मंगरेल अब सभी चीज़ों को ले लिए हैं तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे आटे को इसमें मिला लेंगे आज आटे से हम पकौड़ी बनाएंगे तो आटे की पकौड़ी जैसे दोस्तों बहुत टेस्टी होता है तो दोस्तों इस समय देख रहे हैं लॉकडाउन में जैसे कोई सामान घर में जल्दी मिल नहीं पाता है यहाँ पे दोस्तों मार्केट बंद चल रहा है इसमें तो यहाँ पे देख रहे हैं लहसुन अदरक और आम की कली है तो इसमें हम छोटे आम है जैसे देख रहे हैं आप तो चटनी इसके पीसने के लिए चल रहे है तो इसमें धनिया पत्ती भी ले लेंगे हम इसकी चटनी पकौड़ी के साथ में बहुत टेस्टी होता है आम की तो यहाँ पर अब हम ले लिए इसको एक साइड में करके रख लिए हैं तो इसमें जैसे देख रहे हैं कि हम लहसुन नमक इसमें मिला लिए अब इसमें धनिया पत्ती भी मिला लेंगे धनिया पत्ती हम पहले से काट कर धोकर रखे हैं इसको भी डालने इसमें अब एक साइड में रख दिए हैं इसको अब इसमें यहाँ पे देख रहे हैं जवाइंग मंगरेल मिला दिए हैं अब इसके बाद जीरा को भी मिला दे रहे हैं जीरे को हाथ से मसल के मिलाएंगे अब इसमें मिलाने के बाद से अब देख रहे हैं जैसे कि एक साइड में हम इसको रख दिए हैं तो अब इसमें आटे को डाल लेंगे आटे को डालने के बाद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें इसको मिक्स करके एक साइड में रख देंगे इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं लहसुन और अदरक को इन सभी चीज़ों को मिर्चों को खलबट्टे में अच्छे से कूट लेंगे पहले दरबरे इसको कूट कर हम इसको मिक्स कर लेंगे आटे में इस तरह से के डालने पे जैसे देखते हैं बच्चे को दाँत तर नहीं पड़ता है अब इसमें हींग को डाल दे रहे हैं अब हींग को डालने के बाद इसमें हम गरम मसाले और हल्दी मिलाएंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर मिला दिए अब इसके बाद हम देख रहे हैं गरम मसाले एक चम्मच अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें पानी जरा सा भी नहीं डालेंगे हम इसी तरह इसको हम मिक्स करेंगे तो प्याज जैसे देखते हैं पानी छोड़ने लगता है इस तरह से प्याज पानी छोड़ने लगेगा अभी इनको हल्के हाथ से आपको इसी तरह करना है इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार से डाल दिए नमक जैसे देखते हैं कोई भी चीज में डालने से पानी छोड़ने लगता है इसमें नमक डालकर अब अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसको अब इसी तरह से इसको मिक्स कर ले रहे हैं देख रहे हैं हमारा जैसे हल्का हल्का गीला शुरू हो गया होना अब इधर दोस्तों हम देख रहे हैं हल्के हाथ से बिल्कुल कर रहे हैं अब इसमें धनिया पत्ती भी डाल देंगे धनिया पत्ती डालकर इसी तरह हम दो मिनट तक और अब यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है पकौड़ी का जब भी आपको करना चाहिए प्याज की पकौड़ी जैसे बेसन से भी बना रहे हैं आप तभी भी आपको प्याज में पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए इसी तरह से आपको पहले हाथ से हल्के हाथ से इसी तरह सानना चाहिए आपको इसी तरह मिलाते रहेंगे आपको तो अपने आप प्याज जैसे पानी छोड़ने लगता है अब इसको एक साइड में हम कर कर रख दे रहे हैं अब इधर देख रहे हैं करिया हमारा गर्म हो चुका है अब इधर हम तेल डाल दिए कृ में कृ में तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब इसको जैसे हाथ में पानी लगाएंगे हाथ में पानी लगाकर हम इसको मीडियम आंच पे पहले तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया देखिए अब पकौड़ी जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से इसको छोटे छोटे पकौड़ी साइज में इसमें हम बना लेंगे करे में पूरे करेंगे में इसी तरह से हम बिछा लेंगे पहले तो यहां पे देखिए हम पूरे करेंगे में डाल दिए इसी तरह अच्छे से इसको पहले हम पकाएंगे पहले स्लो आज पे इसको अच्छे से पकाएंगे ना तो पकौड़ी हमारा जल जाएगा तो दोस्तों जैसे देखते हैं इसको रात में नाश्ते में बना रहे हैं इसको तो यहाँ पे देखने हल्के सा सफ़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है इसको अब पकौड़ी इसी तरह हम पलट दे रहे हैं पहले तो बहुत अच्छा कलर हमारे पकौड़ी के आ गया है बहुत कुरकुरे पकौड़ी बन रहा है यहाँ पे सभी पकौड़ी को इसी तरह पलट दिए हैं अब इसको इसी तरह से हम अच्छे से पका लेंगे पहले तो पकौड़ी हमारा देख रहे हैं बहुत अच्छा कलर भी आ गया बहुत सुंदर पकौड़ी बनकर तैयार है अब पकौड़ी को हम निकाल ले रहे हैं इस तरह से यहाँ पे जाली में निकाल लें जाली में जैसे निकालने पे जितने तेल रहता है अच्छे से इसमें से निकल जाता है अब प्लेट में इसको हम रख दे रहे हैं अब यहाँ पे प्लेट में हम पलटी कर ले रहे हैं इसको अब फिर उसी तरह से दूसरा भी पकौड़ी अपना बना ले रहे हैं तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है पकौड़ी बन के तैयार हो गया अब इसी तरह से दूसरा भी पकौड़ी जो है उसको भी बना ले रहे हैं तो दोस्तों इस तरह से गेहूं के आटे की पकौड़ी आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी पकौड़ी होता है तो यहाँ पर दोस्तों सभी पकौड़ी को हमने बना के कर तैयार कर लिए हैं आम की चटनी भी यहाँ पे देख रहे हैं पिस गया है तो प्लीज़ आज की रेसिपी हमारा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें जाकि जब भी कोई वीडियो ना आए तो आपके पास हमारा नोटिसफिकन हर वीडियो पहुँचते जाए तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पकौड़ी बनकर तैयार हो गया है अब बहुत कुरकुरे पकौड़ी बना है तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं मार्केट जैसे पकौड़ी बनकर बहुत आसानी तरीके से तैयार हो गया फिर हम नई रेसिपी के साथ आप सभी से, से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय